हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश लर्निंग में। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय एकता दिवस पर बहुत ही शानदार निबंध पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत 2014 में दिल्ली से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। लोग इस दिन सरदार पटेल की प्रतिमाओं के पास इकट्ठा होकर उन्हें फूल माला अर्पित करके श्रद्धांजलि देते हैं। यह दिन देश के प्रति उनके योगदानों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। देश भर में इस दिन निजी व सरकारी संस्थानों में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सरदार पटेल अखंड भारत की संकल्पना रखते थे और सभी धर्म के लोगों की एकता में विश्वास रखते थे, अतः इस दिन को एकता दिवस कहा जाने लगा। आजादी के बाद खंडों में बटे रियासतों को एक करके अखंड भारत की नींव रखने वाले सरदार पटेल को एकता का आदर्श माना जाता है।
यह दिन युवाओं को पटेल जी के आदर्शों व उनके बताए एकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले सरदार पटेल का स्वतंत्रता सेनानियों में मुख्य स्थान रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस देश की प्रगति के लिए हम सभी देशवासियों को एक साथ मिलकर कार्य करने का संदेश देता है। देश के लिए उनके अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में 2018 में गुजरात के केवड़िया में उनकी 182 मीटर ऊंची पर प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है।